उसके पहले से हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑलरेडी ये ग्रो कर रहे हैं बहुत सालों से, मगर हमको रिजल्ट अच्छा मिला ये 15-20 सालों में। देते थे बहुत टाइम से। मल्ट थेरेपी के लिए आपको डिटेल्स में बताया, उसमें बहुत कुछ और भी डीप में है और उसका बेनिफिट भी बहुत है। आप समझो जब भी लगाएंगे, चालू करेंगे प्रैक्टिकली, फॉरेन में ऑलरेडी बहुत चल रहा है, इंडिया में ऑलरेडी अभी ग्रो कर रहा है, एक ऐसे क्लास है वो लोग यूज़ करना शुरू कर दिया है। मेरे पास में यहाँ से आते हैं मैक्सिमम फॉरेन जाते हैं लेके, स्पेशल कोई गाड़ी लेके भेजता है कि भाई ये चीज़ रह गया, तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। मगर प्रैक्टिकली और टेक्निकली आप लोग यूज़ खुद करेंगे तो इसका बेनिफिट आपको समझ में आएगा कि उसमें क्या क्या बेनिफिट उसमें मिल रहा है। अभी हमारे पास दो हर्ब्स है, जो एक है अश्वगंधा और दूसरा है शिशु करके है। अभी अश्वगंधा में जनरली बहुत लोगों को नॉलेज रहेगा कि अश्वगंधा के ऑलरेडी 15 से 20 साल पहले मेरे हिसाब से अश्वगंधा का बहुत रामदेव जी ने उसको पॉपुलर किया है। अश्वगंधा के लीफ ये हिसाब से रहते हैं, उसका पूरा प्लांट भी आता है। तो बेसिकली अश्वगंधा मल्टीपर्पज़ बेनिफिट्स करता है, उसके जो रूट्स है वो प्रैक्टिकली वेट गेन के लिए इम्पोर्टेंस है उसमें। हाँ, ये तीनों का मल्टीपल उसमें बेनिफिट मिलता है अश्वगंधा में। और ये लीफ है, कड़वा है थोड़ा, मगर वेट लॉस के लिए बेस्ट है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसमें आप देखेंगे तो। ये 10 यूज रादर यू हैव इन एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग में या तो जस्ट बिफोर 10 मिनट्स ऑफ योर डिनर विथ वार्म वाटर। यूज कड़वे है, अगर आप चबा के खाएंगे तो सलाइवा मिक्स होकर आपको ज्यादा फैट के मॉलिक्यूल्स ब्रेक करने में हेल्प मिलेगी, बट नहीं चबा सकते हैं तो अराउंड 60-70 ml पानी में क्रश करके जूस के जैसा बना के आपको उसे पी लेना। डोंट स्ट्रेन दैट, छान के मत लेना, पूरा पेट में जाना जरूरी है। नो, दैट इज शर्पगंधा। शर्पगंधा एवरीडे टिल यू वांट टू लूज योर वेट। सी, लीव्स का मेन बेनिफिट है फैट रिडक्शन, दैट इज आल्सो परमानेंट फैट रिडक्शन। आपने काफ़ी जगह ट्राई किया होगा, देखा होगा किसी को कि थोड़ा जो ड्यूरेशन में होता है फिर जैसे छोड़ते हैं उसे डबल शूट अप हो जाता है। द रीज़न इट विल जो भी आपने किया है दैट नेवर टारगेट ऑन योर फैट मॉलिक्यूल्स। जबकि अश्वगंधा के जो पत्ते हैं उसके अंदर ऐसे काफ़ी केमिकल्स और ऐसी प्रॉपर्टीज़ है उसकी जो डायरेक्टली हमारी बॉडी के एक्सेस फैट के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं उसके ऊपर ही वर्कआउट करता है, फैट को ब्रेक करता है और आपको परमानेंट वेट लॉस का रिजल्ट मिलता है इसमें। और उसका पूरा प्लांट इतना छोटा ही रहता है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं रहता है, ट्री नहीं रहता। हाँ, और इसका जो पाउडर है वो भी बहुत यूज़ होता है अश्वगंधा का, आपने सुना भी होगा। प्योर फॉर्म में अच्छा रहेगा तो वो स्टेमिना के लिए भी बहुत अच्छा है। और लीफ का वेट लॉस में हम लोग ने लास्ट 25 साल से रिजल्ट देखा है कंपेरेटिवली। बाबा जी ने बताया था बीच में BKC में, उसके पहले से हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑलरेडी ये ग्रो कर रहे हैं बहुत सालों से, मगर हमको रिज़ल्ट अच्छा मिला ये 15-20 सालों में। देते थे बहुत टाइम से पहले से भी, मगर जो अभी लोगों को नॉलेज, पहले ये पत्ता कौन खाएगा, ये जनरली एक माइंड सेट था कि भाई क्या इससे कुछ होता है, नहीं होगा, फिर कंटिन्यूटी नहीं होता था लोगों का। फिर ये लोग ने अभी थोड़ा पॉपुलर हो गया समझो, तो उसके बाद में लोगों को यूज़ होना, फिर चालू किया, फिर लोगों ने एक को अच्छा हुआ दूसरे ने बोला नहीं ये तो चीज़। और सबसे बेस्ट है, मैं तो ये बोलता हूँ कि साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है पत्ते खाने में आपको कंपैरेटिवली। आप अपना जैसे सलाद वेजिटेबल भाजी पाला खा रहे हैं जस्ट लाइक दैट, पर इसमें भी काफ़ी वैरायटी भी होती है, बट दिस इज द ओनली वैरायटी, एक तो ऑर्गेनिकली ग्रो किया हुआ है और ये वैरायटी बेस्ट है। ये हम लोग हमारे फार्म हाउस में ग्रो करते हैं। 10 लीव्स पर डे मिनिमम। सी, वी हैव थ्री कैटेगरी, ओवरवेट, ओबेस एंड सुपर ओबेस। आप किसी में भी 10 लीव से स्टार्ट कर दीजिए इनिशियली, फिर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैसे रिजल्ट आ रहा है आपको अकॉर्डिंगली आगे जाना है। विद दैट फूड एंड एक्सरसाइज मस्ट, और लेने के बाद में कुछ प्रॉब्लम, थोड़ा कड़वा है
आज लोग जहर पी जाते हैं बॉम्बे में, और तो ये थोड़ा कड़वा हेल्थ के लिए लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, उसका कोई नुकसान नहीं है, थोड़ा स्टार्टिंग में लगता है मगर कंटिन्यूटी में हम लोग ने देखा है लोग यूज़ करते हैं। That is roots का पाउडर फॉर वेट गेन, स्टेमिना एंड विगर, वो अलग चीज हो जाता है। ये ऐसी एक वनस्पति है जिसके दोनों पार्ट अलग अलग मल्टीपर्पज बेनिफिट है अलग अलग से। If you don't want to lose your weight, then don't use leaves. Have your ashwagandha का टैबलेट और पाउडर जो आयुर्वेदिक स्टोर में आपको मिल जाए। हाँ, अल्फा अल्फा है, अल्फा अल्फा करके आता है जो आपको समझो वेट लॉस नहीं करना है, ये स्पेसिफिकली लीफ वेट लॉस पर्पज है, बाकी कुछ आपका जस्ट स्टेमिना और उसके लिए है तो अल्फा अल्फा है, वीट ग्रास है, इसका पाउडर भी है अच्छा मिले तो प्योर फॉर्म में, बाकी जनरली बाहर जो पाउडर और हम लोगों ने देखा है उतना प्योर नहीं रहता है उसका, 6 मंथ का प्लांट मिलता है मगर ग्रो अभी हम लोग वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं समझो तो स्पेसिफिक ही कर रहे हैं। मैंने तभी आपको इनिशियली बोला था कि बहुत डीप है, हजारों प्लांटेशन है, हजारों चीज अलग अलग है, आपको स्पेसिफिकली 10-15 चीज़ हाथ में लेना है, थोड़ा उसमें समझना है और उसको यूज़ करना है, क्योंकि हर्ब्स कितनी हैं अलग अलग, उसका सबका बेनिफिट अलग है, तो हम लोग को 15-20 हर्ब्स समझो, आंवला है, वोटे अश्वगंधा है, ये सीसु है, ऐसे जो रेगुलर इंडियन में मिल रहे हैं आप उसको यूज़ करो थोड़ा थोड़ा। जनरली देखिए हम कहीं भी नेचुरोपैथी का अगर देखते हैं, सीखने जाते हैं, कहीं कुछ पढ़ते हैं तो वहाँ पे इतना सारा हर्ब्स का नॉलेज आपको नहीं मिलेगा, यही सब स्टीम मसाज वगैरह चलता है, बट हियर यू विल गेट समथिंग यूनिक एंड डिफरेंट बिकॉज वी हैव दिस थिंग्स, इसीलिए हम आपको दे रहे हैं नॉलेज और अवेलेबल भी है। तो आपको कभी भी फ्यूचर में खुद के लिए या प्रैक्टिस के लिए भी चाहिए तो ऑल पची हैव सम मेडिसिन, तो यू कैन यूज दिस एज एन सप्लीमेंट थिंग्स, कुछ आप दे सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं ताकि लोगों को लगे कुछ मिला है आपको। अल्फा अल्फा इट इज वेरी रिच इन कैल्शियम, आपका कहीं भी एक्सीडेंटली आपका बोन्स ब्रेक या कुछ हुआ है और आप अल्फा का जूस फ्रेश अल्फा का पियेंगे तो आपको मेडिसिन का जरूरत मिनिमम लेवल पर, कैल्शियम इतना ज़्यादा है कि वो हड्डी जल्दी रिपेयर हो जाएगी।